इसमें ये थाईलैंड का है, 836 ग्राम है, सबसे अच्छा ही फिर ये आ जाता है। ये फिलिपाइन के हैं दोनों, डॉल्बी और सीजन भी। कार्टन में तकरीबन ये 208 रुपये का, 7 रुपये का पड़ता है रिटेल इसकी, और 300 रुपये की है सिर्फ, और सिर्फ 300 रुपये की रिटेल का जार 400 ग्राम। आरू है, अच्छा आरू भी आपके पास है। पीच है ये फ्रूटा मिंस का है, पीच 820 ग्राम, 820 ग्राम जी। ये वाले भी जो है थाईलैंड की इंपोर्ट है। चेरी ये वाले जो है ईरान की है, ये ईरान की, मतलब ईरानी प्रोडक्ट्स भी आपके पास, ईरानी प्रोडक्ट्स मतलब पाकिस्तान के अंदर भी ईरान की चीजें बिक रही हैं जी जी। इसमें नारियल, पाइनएप्पल, पपीता और चेरी, इसके अंदर चार फल होते हैं। जो भी कॉकटेल है तकरीबन सब में सेम ही फल होते हैं। लाहौर में जैसे कि ब्रांड है जूस वाले बहुत हैं, आइसलैंड है, हाफिज जूस वाले हैं, हाँ। जिनका काम ज़्यादा चलता है वो मिनिमम इसमें से बड़े कैन में से 60 प्लस गिलास जो है निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जो है ये 90 नंबर सबसे पुरानी शॉप है, तकरीबन इधर हमें 35 साल हो गए। पूरे लाहौर में तो सर्विस है, पूरे पाकिस्तान में भी सर्विस है क्या आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन पिशावर तक जो है ये स्टॉक जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं मार्केट वाइज यूट्यूब चैनल। तो आज हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी के अंदर। जैसा कि आप गूगल के ऊपर लोकेशन देख रहे होंगे हम किस जगह के ऊपर मौजूद हैं, इस टाइम हम मौजूद हैं शॉप नंबर 19 पे, जो कि इस मंडी की सबसे पुरानी और सबसे, जो समझ लें कि जब दो दुकानें थी तब इन भाईजान की दुकान थी। तो इन भाईजान का नाम है अली भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाए, काम कैसा चल रहा है आपका? काम माशाल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त है, अल्लाह का बड़ा। तो जैसा कि आप लोग वीडियोज़ में देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा फ्रूट कॉकटेल के जार पड़े हुए हैं, उनके डब्बे छोटे छोटे भी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े जार भी पड़े हुए हैं। तो अली भाई से जानते हैं। अली भाई, सबसे पहले तो हमें हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि जो फ्रूट कॉकटेल है, ये फ्रूट जो जार है जी, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? भाई फ्रूट कॉकटेल असल में रशियन सैलड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शादी के टाइम पे काम आता है। इसके अलावा जो है ये केक में, बेकरी जो प्रोडक्ट हैं इसमें इस्तेमाल होता है, और कॉकटेल की ज़्यादातर बस ये रशियन सैलड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। जैसा कि आजकल आपको पता है, लोगों को पता होगा कि शादियों का सीज़न आने वाला है, तो शादियों के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है ना, वो लोग पसंद भी करते हैं खाना, वो है फ्रूट सैलड। फ्रूट सैलड बिल्कुल, फ्रूट सैलड के अंदर समझ लें कि 99% जो है ना वो यही चीज़ डली होती है, यही चीज़ होती है बिल्कुल। तो अली भाई से जानते हैं इन जार्स की प्राइजेज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट हो गए पाकिस्तान आता है, और इनकी जो शॉप है बेसिकली ये उन लोगों के लिए आज वीडियो है जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं। मतलब आपने कोई बिज़नेस करना है, आप इनके पास आएँ, इनसे सामान लें और आप बिज़नेस स्टार्ट करें, और ये इस मंडी के सबसे पुराने डीलर हैं। तो अली भाई ज़रा 1x1 बताइएगा कि सबसे मुनासिब प्राइस से स्टार्ट कीजिएगा कि आपके पास कौन सा फ्रूट जार पड़ा हुआ है और इसकी प्राइस क्या है। कॉकटेल में जो सबसे कम प्राइस में है वो ये वाला कैन है, फ्रूट एंड का, फ्रूट एंड कॉकटेल ये जो पड़ जाता है, ये पड़ता है तकरीबन आपको 570 रुपये का कैन। 570 रुपये का कैन जी, कहाँ 570 रुपये का आपको, ये 24 पीस और कार्टन के अंदर है, 24 पीस कार्टन के अंदर है, कार्टन के अंदर है ठीक है। और आप इसमें आएंगे पोलक में, ये आपको पड़ेगा 604 रुपये का कार्टन के अंदर। अच्छा, ये थाईलैंड का है। अच्छा, थाईलैंड का है। अच्छा, और आधा किलो का वजन है इसका, आधा किलो का वजन, आधा किलो 565 ग्राम का आता है ये, और थाईलैंड से आता है ये कॉकटेल ठीक है। सबसे मतलब इससे थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज है इसकी, 604 रुपए का कार्टन के अंदर है। अच्छा, वो वाला किस मुल्क का था और ये किस मुल्क? दोनों ही थाईलैंड के, दोनों ही थाईलैंड है, ये भी थाईलैंड है और प्रीमियम है, ये भी थाईलैंड है। अच्छा, साथ ये भी चीज बताएगा कि इनके अंदर फ्रूट की जो नंबरिंग है, मतलब एक दो किस्म के फ्रूट होता है, तीन चार में, नारियल, पाइनएप्पल, पपीता और चेरी, इसके अंदर चार फल होते हैं। जो भी कॉकटेल है तकरीबन सब में सेम ही फल होते हैं, और क्वालिटी का फर्क होता है। थाईलैंड जो है वो थोड़ी हल्की, मतलब थोड़ा सख्त होता है ठीक है, और इसमें जो फिलिपीन के आ जाते हैं, ये वाला ये फिलिपाइन के दोनों, डोल भी और सीजन भी। तो अली भाई हमें बताइएगा कि ये तो आपने छोटे जार्स का बता दिया, सबसे आपने कम प्राइस जो बताई है वो जरा रिपीट भी कर दीजिएगा लोगों के लिए जी। सबसे कम प्राइस क्या थी? सबसे कम प्राइस फ्रूटन का डब्बा है, 560 रुपए का पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ होलसेल में ठीक है। वैसे इसकी रिटेल जो है 700 मिनिमम और 700 रुपया
और अगर कोई बंदा एक बंदा आता है जैसे हमारी कोई वीडियो देखेगा घर में लोग देखेंगे तो एक कस्टमर भी अगर आपसे एक डब्बा लेना चाहे क्या ऐसा पॉसिबल है आप उसे एक डब्बा दे सकते हैं? एक डब्बा मिल जाएगा इधर परचून आपको मिल जाएगा लेकिन उसकी रिटेल में फ़र्क पड़ जाएगा। जो कॉटन के अंदर प्राइस है वो 560 रुपये रिटेल में चला जाएगा, वो 700 हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा पीस तो जो लोग ज़्यादा लेंगे 5-6 पीस लेते हैं या अगर 10 पीस मैक्सिमम जो 12 पीस लेगा वो कॉटन रेट में मिल जाएंगे उसको कॉटन रेट में बिल्कुल वो कॉटन तो हाफ हो जाएगा 12 पीस हो जाएगा। बहुत ही यूनिक और स्मार्ट बिजनेस है। आप शादी ब्याह के लिए आप किसी भी शादी हॉल जहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे आप इसका स्टोर लगा सकते हैं। मतलब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, मतलब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के अंदर आप बहुत ज़्यादा लार्जर स्केल के ऊपर पैसे कमा सकते हैं। शादी हॉल में तकरीबन सप्लाई भी होता है इधर से ना, शादी हॉलों वाले जो कैटरिंग वाले होते हैं वो हमसे लेके वो मतलब सेल करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो इनका नंबर ले, आप इनसे रब्ता करें और शादी वाले का नंबर ले और आपस में कम्युनिकेशन का जरिया बने और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो अली भाई आगे बताइएगा, आगे और कौन कौन से आपके पास फ्रूट जार पड़े हुए हैं, उनकी प्राइसेस क्या क्या है? आपने छोटे तो बता दिए, आप बड़े जार्स का बताइएगा। बड़े में ये 836 ग्राम शुरू होता है, 565 के बाद 836 ग्राम आ जाता है इसमें। 836 इसमें थाईलैंड भी होता है ये वाला, ये कम में पड़ता है, ये पड़ेगा तकरीबन 708 रुपए का। ये होलसेल में बताया, होलसेल में पड़ेगा, परचून में ये रिटेल में 850 रुपए का पीस है। वैसे बाहर जो आम शॉप पे सेल होता है वो 1000 रुपए भी ले, 1000 रुपए भी जाता है बिल्कुल, 900-1000 में। मैं खुद लिया तो मुझे अंदाजा है कि इतने का सेल होता है इसमें। ये थाईलैंड का है, 836 ग्राम है, सबसे अच्छा ही फिर ये आ जाता है। ये फिलिपाइन के हैं दोनों, डोल भी और सीजन भी। अच्छा ये नाम है इनके, डॉलर और सीजन। अच्छा ये कंपनीज काफी मशहूर हैं कि सिर्फ लोकली कंपनीज हैं? इसमें लोकल कुछ भी नहीं होता। अच्छा मतलब ब्रांडेड कंपनीज हैं, इनका नाम है ब्रांडेड है, ठीक हो गया। सीजन भी और डॉल भी। और जो नीचे पड़ा हुआ है बहुत बड़े वाला जार जी, ये डॉल का है, ये तकरीबन 3 किलो का जार होता है। 3 किलो का जार, 3 किलो का। इसकी प्राइस डेन वेट जो है 839 ग्राम है और नेट वेट जो है 3 किलो है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है जी जी, जो फ्रूट को सेव रखता है, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है और एक्चुअली फ्रूट का वेट कितना होता है? 100% लिक्विड इसमें 30% होगा। लिक्विड 30% बिल्कुल, जो इसको डीप रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया, फ्रूट जो है इसमें डीप रहे। और इसकी एक्सपायरी कितनी होती है? एक्सपायरी इसकी 3 साल की होती है, 2022 से 2026 तक 25 तक होती है एक्सपायरी, 3 साल 4 साल। कई कैन जो है वो 3 साल पे हैं, कई कैन और 4 साल पे हैं। तो आगे ऊपर भी मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ऊपर से नीचे तक इनके पास हज़ारों किस्म के ब्रांड्स हैं। ईरानी है, पाकिस्तानी है, फिलिपिनी है, थाईलैंड है, चाइना का भी है कुछ? जी जी चाइना का भी है। तो सबसे पहले चाइना में स्ट्रॉबेरी पड़ी है इस टाइम, जरा स्ट्रॉबेरी भी है तो हमें जरा 1x1 दिखाइएगा, एक स्ट्रॉबेरी से स्टार्ट कीजिएगा फिर आगे चलते हैं कंटिन्यूसली। जिस तरह ये स्ट्रॉबेरी कैन है और 400 ग्राम का होता है, ये स्ट्रॉबेरी कैन है, ये 400 ग्राम का है। कार्टन में तकरीबन ये 208 रुपए का, 7 रुपए का पड़ता है रिटेल इसकी, और 300 रुपए की है, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए की रिटेल स्ट्रॉबेरी का जार, 400 ग्राम चाइना का है ये चाइना का है। और आगे मैं देख रहा हूँ चेरी, मतलब चेरी तो बहुत एक यूनिक समझी जाती है, चेरी ये वाले जो है ईरान की है, ये ईरान की, मतलब ईरानी प्रोडक्ट्स भी आपके पास, ईरानी प्रोडक्ट्स मतलब पाकिस्तान के अंदर भी ईरान की चीजें बिक रही है। जी जी, तो ये मुझे बताइएगा इसके अंदर वेट कितना है और चेरी जो है इसकी एक्सपायरी क्या है? 400 ग्राम वेट है इसका और चेरी की एक्सपायरी 3 साल की है इसकी भी। जरा लोग कैमरे में भी दिखाइएगा, लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हम सिर्फ कह नहीं रहे, हम दिखा भी रहे हैं जो एक्चुअल चीज़ है उसकी एक्सपायरी क्या है। तो आगे अगली भाई आगे बताइएगा, आगे मैं देख रहा हूँ सिर्फ पाइनएप्पल पड़ा हुआ है कि वो क्या चीज़ पड़ी हुई है? ये पीच है, आड़ू है। आड़ू है, अच्छा आड़ू भी आपके पास है? पीच है, ये फ्रूटा मिंस का है पीच, 820 ग्राम। जी, ये वाले भी जो है थाईलैंड की इंपोर्ट है, ये थाईलैंड की है जी। तो इसकी प्राइस बताइएगा? इसकी प्राइस है 700 रुपये है होलसेल में, परचून 1000 रुपये और 900 रुपये परचून रिटेल। अच्छा ठीक हो गया जी। तो और इसके अलावा और दिखाएगा और कौन कौन से जार पड़ेंगे? पाइनएप्पल आ जाता आगे, पाइनएप्पल जो सबसे कम रेंज में है वो ये वाला कैन है फ्रूटन का। ये होलसेल में तकरीबन 310 रुपये का या 15 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ पाइनएप्पल है जी, सिर्फ पाइनएप्पल है, ठीक हो गया। रिटेल इसकी 400 रुपये, ठीक हो गया, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में सिर्फ और सिर्फ पाइनएप्पल का जार। ये तो बहुत ही हैरान कुन सी बात है। वैसे रिटेल में ये मिलता है भाईजान, थाईलैंड का है, आधा किलोग्राम, आधा किलो का ही है, 565 ग्राम। और थाईलैंड में इसके बाद अपोलक आ जाता है, फ्रूटामिन आ जाता है और फ्रूटेंड है। अच्छा अपोला तो बहुत पुराना ब्रांड है, मैंने अपोलक शुरू से ही जब पाइनएप्पल आया है तो फर्स्ट टाइम अपोलक पैक हुआ है। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। इनके ग्रीन कलर का भी एक जार होता था, इनका ग्रीन कलर का होता है वो फिलिपाइन का होता है। अच्छा वो फिलिपाइन का होता है, ये थाईलैंड है। तो इस जार की प्राइस कितनी बताई आपने? इस जार की प्राइस जो है वो तकरीबन पड़ जाती है 330 रुपए की।
330 रुपए की जी। और रिटेल में कितने का बिकता है? रिटेल में 400 रुपए के बिकेगा कैन। मतलब अगर आपके पास कोई बंदा आता है तो वो एक कैन आप उसे 400 रुपए का देंगे जी। ठीक हो गया। और जो मिक्स फ्रूट का बताया उसका कैन आप कितने का देंगे? मिक्स फ्रूट जो है इसमें 800 रुपए का ये बिकेगा और 900 रुपए का ये बिकेगा, 1000 रुपए का ये वाला सेल आउट होगा। ठीक हो गया डोल का। तो अली भाई एक चीज़ बताइएगा हमें, जो मतलब एक बड़ा कॉमन सवाल है, लोग हमसे पूछते भी हैं कि जो एक बंदा बिजनेस करता है जो लाइक जूस बनाता है, उसके लिए कौन सा जार सबसे बेहतरीन है, और जो बंदा आम जैसे लोग फूड पांडा पे काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन जार कौन सा है ताकि उनके पैसे भी ज़्यादा ज़ाया ना हो और वो बिज़नेस भी कर सकें अच्छे तरीके से? जूस के काम से, जूस के हवाले से लिहाज से छोटा कैन हमेशा जो है ना जूस वाला इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इसको वो महंगा पड़ता है। अच्छा जी, जूस में इसमें बचत कम आएगी, वो 3 किलो वाला कैन इस्तेमाल करेगा, जैसे कि ऊपर फ्रूटा में इसका पड़ा ना ब्रोकन। अच्छा, वो हमेशा कट पीस यूज करते हैं जूस वाले। ठीक है। और जितना क्वांटिटी में बड़ा यूज़ करेंगे इतना ही इनको जो है ना वो बड़े में सस्ता पड़ेगा, उतने इनके गिलास और क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल। वैसे आपके अंदाजे के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली कितने ग्लास बन जाते हैं एक 3 किलो के जार के अंदर? जिसका काम लाहौर में जैसे कि ब्रांड है जूस वाले बहुत हैं, आइलैंड है, हाफिज जूस वाले हैं, जिनका काम ज़्यादा चलता है वो मिनिमम इसमें से बड़े कैन में से 60-60+ ग्लास जो है निकाल लेते हैं। 60+ ग्लास जी, जो न्यू जिसमें ऐड होता है, जो दुकानदार बिल्कुल जब भी नया इंस्टॉल हुआ है उसने जिसका जूस बनाना है वो तकरीबन 35-40 गिलास रुपये गिलास जो है इसमें से निकालेगा। उसकी वजह ये वो कहेगा मेरा जूस अच्छा हो तो गाकी जो है कस्टमर मेरे पास ज़्यादा आए। ठीक हो गया। जो लाहौर में नाम चल रहा है जिनका उनका इस्तेमाल हो रहा है जैसे। अच्छा, वैसे ये आपसे पूछना ये भी चाहूँगा कि जो हाफिज जूस कार्नर वाले हो गए, जो ऑनलाइन काम करते हैं कारोबार करते हैं वो लोग, और दीगर लोग जो फूड के स्टॉल लगाते हैं, क्या वो भी आपसे लेके जाते हैं कि सिर्फ होटल्स वगैरह और बड़े बड़े लोग ही लेके जाते हैं? नहीं जी, हाफिज जूस वाले जो हाजी शकील साहब हैं खुद ओनर, वो इधर आते हैं, उनका स्टॉक जाता है 60 कार्टन 100 कार्टन। ठीक है। और जिस तरह ही वीक का, ठीक है, और इस तरह जो चमन आइसक्रीम वाले हैं अमर साहब, इनका भी स्टॉक जाता है मतलब एक हफ्ते की 100 कार्टन या 100+। ठीक हो गया। हाफिज गडीशोर वाले हैं, इनका भी स्टॉक इस तरह ही है, 1 वीक का स्टॉक जो है इनका भी इस तरह ही जाता है। ऑनलाइन काम वाले जो आते हैं इसका फूड पांडा हो गया जी, फूड पांडा हो गया, जिनके असल में कॉल आती है जी हमें ये स्टॉक चाहिए, तो ऊबर या क्रीम से जो भी इनका पार्सल का तरीका होता है उस तरह उसको पार्सल डिलीवर करवा देते हैं। और जो लोग, एक चीज़ मैं आपसे पूछना भूल गया वो ये कि अगर कोई बंदा जैसे कोई हमारी बहन वगैरह कोई वीडियो देखती है, अगर वो उनके घर में कोई फंक्शन है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई सर्विस है, आप उनके घर तक डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ज़रा ये बताइएगा। जिसका तरीका इस तरह, अगर वो परचेस करते हैं या मुझे व्हाट्सएप पिक्चर भेज देते हैं जी ये वाला कैन हमें चाहिए, ठीक है, कॉकटेल हो या पाइनएप्पल हो, तो उस हिसाब से उनके अकाउंट में, मैं अपने अकाउंट में उनसे पेमेंट की मंगवाने के बाद उनके एड्रेस पे उनको डिलीवर कर दूँ। बिल्कुल, उनकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन हो गया, पूरे लाहौर में तो सर्विस है, पूरे पाकिस्तान में भी सर्विस है क्या आपकी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन पिशावर तक जो ये स्टॉक जाता है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। तो अभी मैं देख रहा हूँ इनके पास अभी कस्टमर आए हैं, उन्होंने लिया भी है एक सामान, तो उनसे रिव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे अली भाई हैं और कैसे कब से वो माल ले रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं ये कर रहा था आपसे, आप मार्केट से छोड़ के मेरे पास आते हैं फ्रूट मंडी के अंदर शालमी और होलसेल मार्केट छोड़ के अब इधर तक आते हैं, तो आपको इधर से रेट ज़्यादा मुनासिब मिल जाता है या आप रस्ते की वजह से या तंग होने की वजह से शालमी रश की वजह से नहीं जाते हैं या वैसे अभी इधर आ जाते हैं? जी, पहले मैं क्वालिटी वाले से लेता था शालमी से, ठीक है। अच्छा, उनके पास सब स्टॉक खत्म हुआ है, काफ़ी स्टॉक नहीं आ रहा पाइनएप्पल का जूस का, इनसे मिला था इससे पहले, ठीक है, अब इनसे खत्म हुआ है, नेक्स्ट वीक आएगा, इनसे अच्छे रेट में मुनासिब रेट मिल रहा है, इनसे अब ले रहा हूँ, इनके शॉप पे आता हूँ, जो चीज़ चाहिए होते हैं कोटल पाइनएप्पल मुनासिब आपको इधर मिल जाता है, 10-20 रुपये सस्ता पर पीस मिलता है। अच्छा, पर पीस पे, ठीक है, तो अच्छे रेट देते हैं भाई, टाउन के आते हैं जैसे कहता हूँ मान लेते हैं। और क्वालिटी के लिहाज से आपको कौन सा कैन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप मलेशिया का इस्तेमाल कर रहे हो सबसे अच्छा तो ये है? हाँ, ये अभी मैं फिलहाल ये विंस का यूज़ कर रहा हूँ, अभी ये वाला छोटा, ये कैन बड़ा छोटा ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, क्वालिटी इसकी सबसे अच्छी है, थाईलैंड से अच्छी है इसकी, अच्छा जा रहा है, जूस अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, कस्टमर काफी यूज कर रहे हैं, काफी पी रहे हैं आजकल। चलो, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इंशाल्लाह। तो अली भाई का माशाल्लाह बहुत ही बड़ा सेटअप है, जैसा कि आपने कस्टमर से रिव्यू भी जाना, कस्टमर्स ने बताया भी कि वो कब से माल लेके जा रहा है, माशाल्लाह इनका शाला मार्केट से भी अच्छा रेट है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, मतलब मंडी के अंदर ये चीज़ आपको मिल रही है, तो लोग अमूमन मंडी में आती नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि मंडी में भी फ्रूट कॉकटेल के जार्स मिलते हैं, उनका अंदाज़ा लोगों का यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ही मिलते हैं।
तो अली भाई से जानता हूँ, अली भाई बताइएगा कि आपकी इसके अलावा और कितनी ब्रांचें हैं जहाँ पे आप ये चीज़ें सेल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जो है ये 90 नंबर सबसे पुरानी शॉप है, तकरीबन इधर हमें 35 साल हो गए हैं 90 नंबर पे जी, फ्रूट मार्केट 90 नंबर दुकान में। खजूरों वाला बाजार जो है ये मशहूर है, ठीक है जी, खजूरों वाले बाजार में दुकान है, ठीक हो गया 90। इस तरह मंडी का जो बैक साइड कहलाती है, ये ट्रक अड्डे से आप जाएंगे मदनी होटल है, उधर मदनी होटल, मदनी होटल के बिल्कुल ऑपोजिट दुकान है नारियल पाइनएप्पल की, नारियल ठीक है, वो भी हमारी है, उधर बड़े भाई बैठते हैं, ठीक हो गया। वो इसलिए उधर बनाई है, कस्टमर जब बारिश हो जाती है मंडी में गंद हो जाता है, वो आपको बेहतर आइडिया है इस चीज़ का, ठीक है। तो कस्टमर जो पाइनएप्पल का है वो ज़्यादातर जो गाड़ियों में आते हैं उनकी सहूलत, वो बत्ती चौक की तरफ भी रास्ता निकलता है, ईजी टू वे होता है, तो गाड़ियाँ जो पाइनएप्पल की तकरीबन कस्टमर है वो उस दुकान से रिलेटेड है हमारा। और नारियल का जो है हमारा इधर 90 नंबर पे, नारियल तकरीबन हमारा 35 साल से जो होलसेल काम हमारा ये और कोकोनट का है, ठीक है। अभी जो है हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, किसको 20 साल हो गए हैं मेरे पास पाइनएप्पल हो गया। तो डिफरेंट शहरों में भी इनकी ब्रांचेज है, जैसे इन्होंने बताया कराची के अंदर भी इनका जी, कराची के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेयर हाउस भी है गेट नंबर 5 गली नंबर 3 में, ठीक हो गया। और जोड़े बाजार में अल्हम्दुलिल्लाह भी दुकान है हमारी। तो अली भाई मैं पीछे देख रहा हूँ आपके पीछे बोटल्स भी पड़ी हुई हैं, वो शायद मुझे लगता है जूस जी, जूस की बोटल्स हैं, वो क्या चीज़ है, जरा पीछे चल के हमें दिखाइएगा, बताइएगा कि वो क्या चीज़ है। जी ये जो आ जाता है ये फलूदा इम्पोर्ट हुआ था थाईलैंड से, फलूदा थाईलैंड, ये बेसिकली दूध में बना हुआ है और आइसलैंड वाले इसका इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है। अच्छा, जितना भी स्टॉक आया है वो आइसलैंड की ब्रांचों में तकसीम हुआ है, ठीक है ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको एक किलो दूध में भी आप डाल सकते हैं, ठंडे दूध में, ठंडे दूध, दूध बिल्कुल ठंडा करके आप उसके अंदर इसको डाल के यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगा, ठीक है। वैसे आप इसको इस तरह भी पी सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर हैं, वलीना है, एडमर्ड है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, इसके अलावा मैंगो है, फिर ये पिस्ता है, रोज़ है, ये बिल्कुल नेचुरल से बना हुआ है कि सिर्फ ये बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, इसमें कोकोन आटा का इस्तेमाल हुआ हुआ है, जो छोटे छोटे बीन्स आप देख रहे होंगे, अच्छा ये कोकोन आटा और तुकमलंगा के, मतलब इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डली, नहीं आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है इसमें। वाह फिर तो बेहतरीन हो गया। तो इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस इधर आप कॉटन लेंगे आपको 150 का मिलेगा, 150 का कॉटन, 150 का पीस मिलेगा, 150 का पीस मिलेगा, सॉरी कॉटन जो है इसका 3600 का मिलेगा। इसी तरह आप बड़े मार्ट में जाते हैं इम्तियाज में, मेट्रो में, हैपर में, केयर फोर में, वहाँ पे आपको ये 300 का खाली सिंगल पीस मिलेगा, वहाँ देख लें दादा लगा। और जो बाहर रिटेल बिक रहा है ये 400 का भी तकरीबन सेल आउट हो रहा है इधर, ठीक हो गया। ये डिफरेंट फ्लेवर्स की जो बोतल है इसकी एक्चुअली प्राइस जो है वो 150 है, और जो जार है पूरा के पूरा जो कार्टन है उसकी प्राइस कितनी? 3600 रुपया, 24 पीस होते हैं एक कार्टन के अंदर, तो बहुत ही यूनिक प्राइस बता रही बताई इन्होंने। वैसे जो इम्तियाज इसी तरह ये जैलापीनो आ जाती है, जैलापीनो ये सबवे वाले यूज करते हैं अक्सर पिज्जे में और बर्गर में, ठीक हो गया। सबवे वाले, सबवे हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ये यूज करते हैं और बेकरी वाले अक्सर हमसे ये लोग माल जो है उठाते हैं। तो इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 220, सिर्फ और सिर्फ 220 में। और इसकी इसके अंदर कितने ग्राम है? इसके अंदर 450 ग्राम है, ठीक है। और इसका जो पानी तकरीबन 250 ग्राम होगा, ठीक है। तो बहुत ही इसका जो पूरे का पूरा कॉटन है वो कितने का? इसका कॉटन स्टॉक में अभी नहीं है, बाकी इसका कॉटन जो सेल आउट हुआ है 4800 का और 5000 का अराउंड अबाउट सेल हुआ है इसका कॉटन, ठीक हो गया। तो इसके अलावा और भी जो पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए चीज़ें होती हैं वो भी आपके पास होती हैं कि नहीं होती? पिज़्ज़ा टॉपिंग में हमारे पास अभी माल ख़त्म हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम से जो इंपोर्ट के मसले चल रहे थे, उसके अलावा जो माल अभी इंपोर्ट हो रहे हैं इसमें जैतून भी होता है हमारे पास, ग्रीन ओलिव, ब्लैक ओलिव। उसकी प्राइस भी ज़रा बता दें ताकि अगर कोई बंदा आए फ्यूचर में आपके पास चीज़ हो तो वो, क्योंकि सारी बात है डॉलर के हिसाब से इनकी प्राइस होती है और ये फ्लक्चुएट भी होती है, तो ये भी ज़रा लोगों को क्लियर कर दें कि अभी अगर वीडियो हमारी देख रहे हैं अगर साल बाद दोबारा देखेंगे तो प्राइस अप एंड डाउन होगी। ये आज का रेट है क्योंकि डॉलर का नहीं पता लगता और पाकिस्तान में ड्यूटियाँ जिस तरह बढ़ जाती हैं तो कुछ नहीं पता चलता इसका रेट किस टाइम चेंज हो जाता है। इसका रेट जो है डॉलर के साथ इंक्रीज़ होता है और डॉलर के साथ ही डाउन होता है। पहले इस तरह चल रहा था आज से तीन 4-5 साल तक ये चलता रहा है, अभी जो रेगुलर ड्यूटियाँ आ गई हैं RD आ गई है ऊपर ड्यूटियों के साथ ये जो है रोज़ बा रोज़ बढ़ रहा है, ठीक हो गया। अली भाई से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही नाइस आदमी है। अगर कोई घर में बेकरी का काम करता है या कोई बंदा जो है फ्रूट सैलड का काम करता है, कुछ कोई भी काम करता है जिसमें जो है फ्रूट कॉकटेल यूज़ होता है, वो ज़रूर इनके पास आए। बड़े बड़े ब्रांड इनसे लेके जाते हैं, अभी हम काफ़ी लोगों के नाम भी नहीं ले पा रहे क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, तो आप ज़रूर इनके पास आएँ, आप इनके साथ बिज़नेस करें, बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।
मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।